नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के नेता मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के नेता हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सीमा से सटे 15 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को भी हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उत्तराखंड ही रहता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के नेताओं को हिमाचल प्रदेश का भी काफी अनुभव है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है, वहीं चुनाव में उत्तराखंड के नेता भी भूमिका निभाएंगे, जहां पर स्टार प्रचारक के रूप में सीएम धामी भी हिमाचल प्रदेश में पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के नेता मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के नेता हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सीमा से सटे 15 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को भी हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उत्तराखंड ही जैसा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के नेताओं को हिमाचल प्रदेश का भी काफी अनुभव है। देखिए, हमने लगभग 15 लोगों की टीम ने पहले शुरू में भेज दी थी, और अभी हमने अपने जो विधायक है, कुछ मंत्रीगण हैं, और जो हमारे खास तौर पर जो चुकुलता क्षेत्र से लेकर प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ड्यूटी हमने वहां लगाई। कुलदीप जी हमने उसके संयोजक के नाते उनके वहां लोग जाएंगे, और सबको अलग अलग विधान में बांट दी गई है। तो उन विधानसभा जाकर, और क्योंकि एक अपेक्षा हिमाचल के द्वारा हमारे कार्यकर्ता से की गई है, वहां के संगठन द्वारा, हम उस कार्य में कार्यकर्ता भेज रहे हैं, विधायक और सांसदों को भी वहां भेजेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की भी नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ साथ नए जोश और पुराने अनुभव वाली टीम होगी। उन्होंने कहा कि इस टीम का स्वरूप जंबो नहीं बल्कि सीमित होगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस की नई टीम का जल्द ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे टीम का ऐलान करेंगे, और वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भी कहा कि इस बार पार्टी जंबो नहीं होगी बल्कि अनुभवी होगी। कार्यकारिणी छोटी कार्यकारिणी, जैसे मैंने कहा था, दो फेजेस में हम निकाल रहे हैं, और टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं, और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ही अनुमोदन हो गया थी, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए 6 साल बाद हो रही पीसीएस परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीसीएस मेंस एग्जाम देने के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पीसीएस मेंस की परीक्षा को स्थगित कराना चाहिए और बच्चों को समय देकर बाद में इस परीक्षा को कराना चाहिए। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे, जहां पर
सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता की तो वहीं पीसीएस परीक्षा पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। शॉपिंग की वजह से हमारा जो स्थानीय दुकानदार है उतना परेशान है कि बाकी सीबीआई की जांच देखिए, छह साल तक आपने पीसीएस का कोई एग्जाम नहीं करा, जिस प्रकार से पूरा ये पीसीएस का एग्जाम इस बारी निर्धारित करा गया है या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ये वाक्य में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया उसके बाद से पांचवी छठी सूची आई है, तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ ये निर्धारित हुआ है और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्जाम जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें आईएएस के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस है। सीबीआई की जांच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं भर्ती आयोग पे हो। दूसरी चीज, 9000 बच्चे एग्जाम हरिद्वार में सरकारी विभाग ही ऊर्जा निगम को चूना लगा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और सिंचाई समेत कई विभागों ने लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते यूपीसीएल का करोड़ों रुपए विभागों पर बकाया चल रहा है और यूपीसीएल के अधिकारियों को पैसे की वसूली के लिए बार बार इन विभागों को नोटिस भेजने पड़ रहे हैं। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी विभागों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। यूपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान किए जाने के लिए समय समय पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुछ विभागों ने 3-4 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है, इनकी बकाया राशि करोड़ों में है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर सरकारी विभाग ही चूना लगाता नजर आ रहा है, बिजली का भुगतान नहीं किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कई विभागों ने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है, यूपीसीएल को चूना सरकारी विभाग द्वारा ही लगाया जा रहा है। तो हरिद्वार में सरकारी विभाग ही ऊर्जा निगम को चूना लगा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और सिंचाई विभाग समेत कई विभागों ने लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते यूपीसीएल का करोड़ों रुपए विभागों पर बकाया चल रहा है और यूपीसीएल के अधिकारियों को पैसे की वसूली के लिए बार बार इन विभागों को नोटिस भेजने पड़ रहे हैं। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी विभागों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। यूपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान किए जाने के लिए समय समय पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुछ विभागों ने 3-4 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है और इनकी बकाया राशि करोड़ों में है। देखो, सरकारी विभाग में कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित पैसा आ जा रहा है और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित पैसा नहीं आ रहा है, जैसे स्कूल वाले हैं और जैसे कि हमारा यहाँ पे यूपी इरिगेशन के 2-3 कनेक्शन हैं या फिर आपका हेल्थ के भी है जिसमें कहने में 2-3 महीने रुक के पैसे आते हैं। ठीक है, ये रिकवरी का हमारा एक नियमित कार्यक्रम चलता रहता है कि हम नोटिस देंगे या कनेक्शन काटेंगे, तो धीरे धीरे पैसा आ ही रहा है। खबर लालकुआ से है, जहां मच्छरों से बढ़ते रोगों के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ भागीरथी जोशी और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनुराधा हयांकी ने संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 2 का निरीक्षण किया, साथ ही अंबेडकर पार्क में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें निःशुल्क परीक्षण और दवाइयां बांटी गई। इस दौरान सीएमओ और जिला मलेरिया अधिकारी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया की कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद यहां शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को निःशुल्क परीक्षण और दवाइयां वितरण की जाएगी। तो लालकुआ से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जहां पर लोगों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। ये कहीं पे डेंगू के मरीज आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग टीम को भेजते हैं। हमारे पास यहाँ की खबर अभी 4 दिन पहले आई थी तो हमने उस दिन यहाँ पे टीम भेजी है।
यही इसी में बगल में यहाँ पे कार्य किया गया है। और इसकी भी अभी न्यूज कल शाम को पता चली है कि कल शाम को यहाँ पे दो और आए हैं, जिसके लिए हमने आज टीम भेजी है। अब इसके बाद क्योंकि पहले हमारा दूसरी जगह पे डेंगू के हिसाब से अब यहाँ पे आने शुरू हुए, तो अब टीम हमारे यहाँ पे लगातार कार्य करेगी। कैंप अभी लालकुआ में थोड़ा सा प्रभावी संख्या इधर नोटिस में आई है, तो लगातार कैंप का एक रोस्टर जारी कर रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है लालकुआ, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारी टीम सभी घर घर जाएंगी और सोर्स रिडक्शन का काम भी करेंगे। और जितने भी मलिन बस्तियां हैं लालकुआ की, यहां पर कैंप अभी रोस्टर जारी कर देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में बंद घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात के समय घर का चौकीदार दीपावली पर घर गया हुआ था। चौकीदारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक सूरज को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी के पास से 3,500 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस को कामयाब भी मिली है। पुलिस ने पशुरोग कॉलोनी में चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर उससे 3,500 रुपए भी वसूले हैं और साथ ही साथ अब इसमें आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी, आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस है, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bas, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Dana, download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Are rango ka उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के मानपुर आदमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध बुखार फैलने से कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीण अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक दिन खानापूर्ति के लिए गांव में आया और लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से कई लोगों का टेस्ट में पॉजिटिव आया है। तो वहीं आपको बता दें कि
मामले में एसडीएम भगवानपुर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गांव में लोगों की स्वास्थ्य की जांच करें। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे, जहां पर गांव में डेंगू फैलता जा रहा है, डेंगू की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही है। मैं पेशेंट हूँ, मैंने 50% से भी ऊपर डेंगू से पेशेंट, डेंगू के पेशेंट निकले। मैंने स्वास्थ्य विभाग को आज से 15 दिन पहले फोन किया था, सिरोजी जी भगवानपुर बैठे डॉक्टर सिरोजी, उन्होंने फोन किया तो उन्होंने यहाँ जो आशा वगैरह थी, मैं फिर उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ सूचना है वहां भेजी। एक डॉक्टर हमारे यहाँ, नाम उनका अनुजा यादव, डेंगू के एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, नगर पंचायत के अधिकारी के साथ बैठक भी हुई थी और निर्देश दे दिए गए हैं, जहां पर भी पानी का ठहराव है वहां पर तत्कालिक दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहां पर निकासी की समस्या है वहां पर जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारी के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। मानकपुर गाँव में लगातार डेंगू जैसे फैल रहा है, जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम। खबर रुड़की से, जहां अब कोल्हू में गुड़ बनाने का काम शुरू हो गया है, तो वहीं कोल्हू में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। जहां वातावरण प्रदूषित होने से लोगों की जान पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि कोल्हू स्वामियों के पास गन्ने की पराई के बाद निकलने वाली खोई ईंधन का बेहतर विकल्प है, लेकिन उसे सुखाने के झंझट से बचने के लिए और महंगे दामों में बेचने के लिए प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे, जहां पर गुड़ बनाने वाले कोल्हू जानलेवा बनते जा रहे। आपको बता दें कि ईंधन की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, जिससे वातावरण भी दूषित हो रहा है। तो इसमें हम एक टीम बना के भेजेंगे और इसमें पूरी जांच कराएंगे कि क्या मैटर है और उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के दहल चोरी स्थित मंचू घोष महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंचू घोष महादेव के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ मन्नत मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल दीपावली के बाद धूमधाम से मनाए जाने वाले इस कांडा मेले में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो पौड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर कांडा मेले का आयोजन किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं का हुजूम यहां मेले में उमड़ रहा है और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेले में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। साफ तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर दर्शन के लिए आना हो रहा है, इसके लिए हमारे तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे पार्किंग का रहता है, जिसको लेकर हमने अलग से एक सेंटर बनाया है, जिसमें प्रॉपर हम लोगों ने पार्किंग की जगहों को तलाश किया था पूर्व में ही और एक होमवर्क पहले ही कर दिया था मेले से पहले। और आप देख भी रहे होंगे कि इस समय ट्रैफिक की समस्या आप लोगों को कम नजर आई। और जैसे ये बहुत प्राचीन मंदिर है मंजू घोष
बहुत प्राथमिकता से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं। और आप जिस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से जल सैलाब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे लगता है कि सभी लोगों के मन में किस प्रकार से देवी माता के लिए आस्था है और भगवान ये माता सभी का कल्याण करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो कि व्यवस्थाएं यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा और विभागीय प्रशासन द्वारा बहुत अनुरूप की गई है। ये दीपावली के दूसरे दिन दो दिवसीय पांडा मेला होता है, इस बार चंद्रग्रहण, इस बार सूर्य ग्रहण और अमावस्या की वजह से एक दिन बाद में हुआ है। ये पिछले 15 साल में ऐसा हुआ है, 15-20 साल में ऐसा होता है। अभी तक कल छोटा कांड हुआ अक्टूबर 26 तारीख को, कल जो हुआ उसमें 37 किसान आए। लोग अपने यहाँ पे अपने लड़कों के जीवन काल में एक बार वो निशान भेंट जरूर करते हैं। और यहाँ के जो ज्ञाता जो वो लड़के हैं जो अपने मायके में आके, वो भी एक बार अपने बच्चे के जीवन के काल में एक बार उसको जरूर भेंट कराते हैं, तो वही निशान आते हैं। तो ये हमारे मायके की देवी है, हमारा मायका इधर पड़ता है, तो हम लोगों की जो ये जब हम शादी जाते हैं उसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं, तो हम उनको मन्नत मान करके यहाँ छत्तर चलाने के लिए आते हैं। और मेले की खासियत यह है कि मेला धीरे धीरे, तो बीच में कोरोना के कारण काफी कम हो गया था, लेकिन इस बार मैं बहुत भीड़ देख रही थी। जमाने में मेले चलाए जाते थे, बड़ी प्रथा होती थी, अब धीरे धीरे वो समाप्त हो गया है, काफी साल हो गए समाप्त हो गया है। और ये मंजू घोष माता मगीन का मंदिर है, यहाँ पे बहु बेटियाँ आती हैं, विशेषकर जो माइक मतलब ये जिनका यहाँ माइक होता है वो लड़कियाँ आती हैं। और माता का खबर रामनगर से है, जहां 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए ढिकाला जोन खुलेगा। आपको बता दें कि विश्व में प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुला रहा है, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक ये खुलने से पहले ही कॉर्बेट पार्क में डे विजिट और नाइट स्टे के सभी रूम 31 दिसंबर तक के लिए बुक हो चुके हैं। रामनगर से खबर आपको बताएं, जहां पर पर्यटकों के लिए ढिकाला जोन खुल चुका है, 15 नवंबर से ये जोन खोला जाएगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कॉर्बेट प्रशासन भी अब सभी तैयारियों में जुट गया है। ढिकाला जोन को खोला जाएगा 15 नवंबर से अगले महीने, और इस संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रोड की स्थिति बीच में बारिश होने की वजह से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसको भी काफी हद तक ठीक किया जा चुका है। उसके अलावा जो भी अवस्थापना से संबंधित सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जानी है। दिनेशपुर में 4 दिवसीय काली पूजा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक मंच पर पश्चिम बंगाल की झलकियां नजर आई। चार दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में काली पूजा के आखिरी दिन क्षेत्रीय कलाकारों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो दिनेशपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर की आप देख सकते हैं, जहां पर 4 दिवसीय काली पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की झलकियां यहां पर देखने को मिली। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। और ये हमारा तीसरा वर्ष है, विगत 2 वर्ष से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और ये तृतीय वर्ष है, और इसमें 4 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम दिन में हमने सुंदर सुंदर भगवान की झांकी की प्रस्तुति, द्वितीय दिन हमारे लोक संस्कृति यात्रा गान का अनुष्ठान किया, तीसरे दिन हमारा कॉम्पिटिशन रहा था, इसका रिजल्ट आज हम अनाउंसमेंट करेंगे। और आज क्षेत्र के विभिन्न विभिन्न जगह से डांसर हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। मैं जो राधे साका है, उनका ये बहुत ही सुंदर प्रयास है कि आगामी 3 वर्षों से लगातार ये 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जा रहा, आपकी बार जो ये मेला 4 दिवसीय हो रहा है, कि इतने अच्छे सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर यहाँ पे जो युवा वर्ग आ रहे हैं उनको जो मंच मिला है, और युवा जो सीख रहे हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।